बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 का सी पार्ट हम आज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, वी लेफ्ट पे होना चाहिए, ए राइट पे होना चाहिए, इक्वालिटी के। वॉल्यूम को हमने फंक्शन बनाना है एरिया का। अब क्यूब का वॉल्यूम, लेट एक्स बी दी लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूब, देन वी इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये वॉल्यूम का फार्मूला है बच्चों। तो वी इज इक्वल टू, हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए तीनों एक्स 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 सपोज कर लिए हैं, लेंथ भी विड्थ भी और हाइट भी। वी इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स। नाउ बेस एरिया, नाउ वी फाइंड बेस एरिया। एरिया का फार्मूला आपको आता है लेंथ इंटू विड्थ, ए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू बच्चों फाइंड करो, स्क्वायर रूट ले लो, एरिया पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन वन, पुटिंग इन वन, वन क्या है बताएं, वी इज इक्वल टू एक्स की जगह बेटा क्या कर दो, ए अंडर रूट का क्यू, ये 1/2 होती है। तो वी ए की पार 3/2 और रिक्वायर्ड। वॉल्यूम वाज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स। पहले हमने वॉल्यूम फाइंड किया, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, हमने तीनों एक्स एक्स एक्सपोज कर लिए, वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। फिर हमने बेस एरिया फाइंड किया, बेस एरिया क्या है, ए इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ एक्स इनटू एक्स एक्स स्क्वायर। हमने एक्स की कीमत इन टर्म्स ऑफ ए निकाल ली, वो एक्स की कीमत यहाँ ऊपर पुट कर दी। क्यों पुट की, वॉल्यूम शुड बी द फंक्शन ऑफ एरिया, वी इज इक्वल टू एक्स के बराबर था, वॉल्यूम को हमने फंक्शन बनाना था एरिया का, ए का, वी इज इक्वल टू ए रिक्वायर्ड था हमारे पास, वॉल्यूम शुड बी, वी शुड बी एरिया ऑफ ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एग्जाम्पल्स कुछ करेंगे, आपकी मैं बेस बनाऊंगा डोमेन और रेंज की, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। एग्जाम्पल 1,
क्वेश्चन से पहले हम एग्जाम्पलें करते हैं कुछ बेटे। फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू 4x। कुछ चीज़ें बच्चों आपको पता होनी चाहिए कि ये एक रिलेशन है, इक्वेशन आप कहते हैं, तो ये x और y का एक रिलेशन है। y इज इक्वल टू 4x, ये सादा सा क्वेश्चन है, तो हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करना चाहते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको हम डोमेन कहेंगे, x के कीमत पुट करके जो y की निकलेगी उसको हम रेंज कहेंगे। पहले इसको समझ लें, आपको पता है, वी नो दैट y किसके बराबर होता है, f ऑफ x। पहले आर्टिकल में हमने ये कर लिया था, y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x अंडर द फंक्शन f। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x। अब ये सॉफ्टवेयर नजर आ रहा है आपको, x को 1 दोगे तो उधर भी कोई ना कोई कीमत निकले। जो x को आप कीमतें देंगे वो डोमेन कहलाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग जो कीमत उधर पुट करने से निकलेगी वो रेंज कहलाएगी। कैसे, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, एरो f ऑफ 0 राइट साइड में भी 0 पुट कर लो, आंसर क्या निकला बच्चों, 0। जो आपने पुट की है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x वो डोमेन है, जो आंसर निकला है वो रेंज है। आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे, आपने जो पुट की थी वो x, पहला x है दूसरा y है, 0 पुट की थी, y भी क्या निकला था 0। इसी में फिर इसमें पुट करो f ऑफ 1 पुट करो, 4 इंटू 1 4 आ गई। तो ऑर्डर पेयर बनाए, जब आपने 1 पुट किया है तो आंसर क्या निकला है 4। इसी में आप पुट करते जाएं, f ऑफ 2 पुट करें, 4 इंटू 2 8, 2 पुट किया है x तो आंसर क्या निकला है, आंसर y है 8। f ऑफ 3 पुट करें, तो जब 3 पुट किया है 12 आया। आपको पता है ये y के बराबर है, जब आप कीमत कॉरेस्पॉन्डिंग निकलती है बिलोंग्स टू y, बिलोंग्स टू, जो आप इंडिपेंडेंट पुट करते हैं दीज आर कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, दीज आर कॉल्ड, बेटा ये क्या कहलाएंगी, डोमेन ऑफ फंक्शन। ये बच्चों क्या कहलाएंगी, सेकंड जो y की कार, रेंज ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये y के बराबर होता है ना, f ऑफ 1 2 3 जो कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। नंबर्स और डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स आर द डोमेन ऑफ एफ एक्सेप्ट दोज values of x which makes the function undefined। हर
रियल नंबर्स की वैल्यू किसी फंक्शन की डोमेन होगी सवाए उन वैल्यूज़ के विच मेक्स द फंक्शन अनडिफाइंड। ऐसी कीमत जो फंक्शन में पुट करते हुए अनडिफाइंड फंक्शन को काट दे वो डोमेन नहीं होती। कि क्या है, कैसे है, क्यों है, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड डोमेन। अभी मैं रेंज डिस्कस नहीं करूंगा, अभी मैं सिर्फ डोमेन के लिए आपको तैयार करता हूं। ऑफ y इज इक्वल टू 1/x y इज इक्वल टू, आपको पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी कहलाते हैं, और ये 1/x। एफ ऑफ एक्स लिख लें या y लिख लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x की आप 1, 2, 3, 4 जितनी मर्जी कीमतें पुट कर लें x की, बचो सिर्फ एक कीमत x की ऐसी है जो इस फंक्शन को समथिंग ओवर जीरो, समथिंग ओवर जीरो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। ये मैं नोट लिख के देने लगा हूं, 1/0 इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। बच्चों डोमेन इसकी क्या होगी, ऑल रियल नंबर, आर रियल नंबर को आर से शो करेंगे, एक्सेप्ट उसमें से कौन सी कीमत निकाल दें, जीरो। जीरो के अलावा सारी इसकी डोमेन कहलाएगी। जीरो क्यों नहीं पुट करना, समथिंग ओवर जीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, डोमेन ऑफ 1/x+1। जब भी कॉन्स्टेंट ओवर वेरिएबल हो तो डोमेन बेटा देखें क्या होगी, रियल नंबर एक्सेप्ट, रियल नंबर एक्सेप्ट। नीचे वाले को जीरो नहीं होना चाहिए, -1, +1 से काट के क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप इसको ऐसे लिख लिया करें, जब भी कांस्टेंट ओवर कोई भी पॉलीनोमियल हो, लीनियर पॉलीनोमियल, तो उसको जीरो के, x+1 शुड नॉट बी जीरो, तो x शुड नॉट बी -1, तो क्या नहीं होना चाहिए, -1, क्योंकि -1 पुट करेंगे तो +1 से कट जाएगा तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी। तो आपने जो भी डिनोमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर में जो भी हो उसको जीरो नहीं होना, जैसे ऐसे एक्स को जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डोमेन ऑफ 1/x+4। तो डोमेन बच्चों क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, नीचे वाला कोई भी जो पॉलीनोमियल है वो जीरो नहीं होने देनी। तो क्या करना आपने, x+4 शुड नॉट बी जीरो। तो बताएं जी x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, -4। तो -4 के अलावा सारे इसकी डोमेन कहलाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 question 4 फर्स्ट पार्ट बेटा, फाइंड डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट पार्ट है g(x) = 2x - 5, डोमेन रियल नंबर r, -∞ to +∞। आप r भी लिख सकते हैं, -∞ से +∞ भी लिख सकते हैं। रेंज वो भी रियल नंबर है या -∞ to +∞। इसमें
अंडर रूट नहीं है, ओवर नहीं है, जितनी मर्जी एक्स की कीमत पुट कर देंगे, तमाम रियल नंबर्स इसकी डोमेन कहलाएंगे, इसमें कभी भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आएगी। अनडिफाइंड फॉर्म बच्चों आनी कब है? जब स्केयर रूट हो, जब वेरिएबल ओवर में हो। अगर आपका वेरिएबल ओवर में नहीं है, स्केयर रूट नहीं है, तो आपने रियल नंबर लिख देनी है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देखो ज़रा, नोट, इंटरवल को लिखने का तरीका। ये रियल लाइन है बच्चों, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये क्या है? प्लस इन्फिनिटी। ये ज़ीरो, ये माइनस वन, ये माइनस टू, ऐसे ये प्लस वन। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लार्जेस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर, इन तमाम को आप माइनस इन्फिनिटी, इसको कहते हैं ओपन। ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये स्मॉल ब्रैकेट्स, ये दोनों ब्रैकेट्स किसको शो कर रही हैं? ओपन इंटरवल को। तमाम रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आर, इनकी जगह कैपिटल आर लिख दें आप, ये भी एक ही बात है। कैपिटल आर को भी होल रियल नंबर्स कहते हैं, या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिख लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट, अगर आपका ये लिखा हुआ है एक्स लाइज बिटवीन फोर सिक्स, तो दोनों इंक्लूडेड हैं, देखें फोर और यहां सिक्स, क्लोज्ड भी कर दिया। और अगर फर्ज किया ग्रेटर देन फोर है, पहले ये देख लें कि ये क्लोज्ड इंटरवल है कि दोनों इंक्लूडेड हैं। हम करते हैं क्वेश्चन फोर का सेकंड पार्ट। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। स्केयर रूट में नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। स्केयर रूट के अंदर जब भी आपको डोमेन आ जाए, अब देखें डोमेन, इसकी रियल नंबर माइनस माइनस टू और प्लस टू के दरमियान वाले नंबर नहीं आने चाहिए। आप जीरो पुट करें, जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा तो माइनस आ जाएगा। बेटा वन पुट करेंगे तो वन का स्केयर वन माइनस फोर माइनस थ्री आ जाएगा। टू और माइनस टू के बिटवीन वाले नंबर्स रियल नंबर्स में से माइनस कर दें। इसको समझें जरा, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये माइनस टू है, माइनस वन, ज़ीरो, वन, टू और ये प्लस इन्फिनिटी, ये सारे रियल नंबर्स हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आप इसमें से ये वाले नंबर्स जब पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड फॉर्म बनाएंगे। स्केयर रूट के अंदर जब भी, स्केयर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगी। तो बताएं रियल नंबर्स कब कब आएंगे? अगर तो आप टू पुट करते हैं बच्चों, ये टू पुट करते हैं तो टू का स्केयर फोर माइनस फोर जीरो, रियल नंबर। फिर टू से अब आप जितने मर्जी पुट करेंगे ये ग्रेटर क्वांटिटी आएगी, इसमें से फोर माइनस होगा तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो आप देखें बिटवीन टू और माइनस टू, प्लस टू और माइनस टू के दरमियान जितने नंबर होंगे वो जब भी पुट करोगे इसके रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, तो वो अनडिफाइंड फॉर्म बनाएंगे। तो हमने इसलिए इसको ऐसे लिख दिया कि रियल नंबर में से बिटवीन माइनस टू और टू आपने काउंट नहीं करने। रेंज बड़ी आम चीज है इसकी, एक तो ग्राफिकल मेथड है, मैं आपको आसान से बताता हूं। जब भी स्केयर रूट वाला आए आपने क्लोज कर देना है जीरो से प्लस इन्फिनिटी से ओपन, इसको कहते हैं क्लोज और इधर से कहते हैं ओपन। अंडर रूट वाला क्वेश्चन कोई भी हो उसकी रेंज आपने हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर लिख देने हैं, हमेशा पॉजिटिव, जीरो से प्लस इन्फिनिटी, जीरो से नेगेटिव उसका कभी भी नहीं कहोगे, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। जब भी स्केयर रूट वाला क्वेश्चन आएगा उसकी रेंज आपने
जीरो से क्लोज कर देना है क्योंकि नेगेटिव नहीं आते, और प्लस लार्जेस्ट यहां से ओपन है और यहां से क्लोज है। तीसरा पार्ट है बेटा जी ऑफ एक्स, एक्स प्लस वन डोमेन इज इक्वल टू और रियल नंबर माइनस डोमेन, आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसकी कि माइनस वन से क्लोज कर दो और इन्फिनिटी तक ओपन कर दो। ये क्यों? अंडर रूट के अंदर वाले को ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए। तो बेटा एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन माइनस वन, माइनस वन से बड़े सारे नंबर, माइनस वन से इन्फिनिटी तक जो भी स्केयर रूट के अंदर कीमत होगी वो ग्रेटर देन जीरो पुट कर लेनी है। तो देखें एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, यानी कि माइनस वन से आपने डोर को क्लोज कर देना है। वैसे भी समझे, माइनस वन पुट करेंगे तो प्लस वन से कट जाएगा, जीरो का अंडर रूट जीरो आएगा। माइनस टू पुट करें, यहां माइनस टू पुट करने से आंसर अंदर नेगेटिव नहीं आ जाएगा, माइनस वन वो अनडिफाइंड हो जाएगा। माइनस थ्री पुट करें, माइनस थ्री पुट करेंगे तो माइनस टू आंसर आएगा, माइनस टू भी यहां अनडिफाइंड हो जाएगा, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। तो आपने माइनस वन से बच्चों, माइनस वन से इंटरवल को क्लोज कर दिया, इसकी डोमेन माइनस वन से जो छोटे नंबर होंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस इन्फिनिटी, ये सारे नंबर अनडिफाइंड बनाएंगे, ये सारे नंबर क्या बनाएंगे? अनडिफाइंड। रेंज क्या कहलाएगी जी? रेंज मैंने बताया अंडर रूट वाला, अंडर रूट वाला ये भी था अंडर रूट वाला, आपने अंडर रूट वाले की रेंज हमेशा जीरो से प्लस इन्फिनिटी कर देनी है। अंडर रूट वाले क्वेश्चन में जीरो से प्लस इन्फिनिटी कर देनी है। इंशाल्लाह कल फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। विश यू गुड लक।